Hello guys, good morning everyone. Good morning students, good morning Vikas, Aman, Lakshay, Superstar. Okay, good morning guys, good morning everyone. Today is 13th May और हम 13th May की द हिंदू की वोकैब करेंगे. ओके, तो द हिंदू की बहुत अच्छी वोकैब जिससे आपकी इंग्लिश जो है काफी इम्प्रूव हो रही है. बहुत सारे स्टूडेंट्स आज पे आर्टिकल्स लिख रहे हैं वर्ड्स को यूज करके, मतलब अपनी वोकैब के साथ साथ दे आर इम्प्रूविंग देयर राइटिंग स्किल्स टू. तो गाइस ये बहुत अच्छी बात है, आप स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इसको ले रहे हैं. आई एम रियली हैप्पी आप इस तरह से ग्रो करते रहे. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैम वोकैबुलरी कहाँ से करें, कैसे करें. गाइस अगर जितने मैं वर्ड्स आपको दे रही हूँ, अगर आप ऑनेस्टली उनके वर्ड्स को दिन में पूरे दिन याद रख लें, ठीक है, पूरे दिन याद करके उसका रिविजन करते रहें, तो गाइस आप धीरे धीरे रोज ग्रो होते रहोगे. क्योंकि वोकैबुलरी एक दिन में याद करने वाली चीज नहीं है. आप एक दिन में 3000 वर्ड्स लर्न कर तो लोगे, मतलब दूसरे दिन याद नहीं रहेगा. याद उसे कहा जाता है जो याद रहे, है ना. ऐसा नहीं कि एक दिन में दूसरे दिन भूल जाए, तो ये चीज ना हो. इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको एटलीस्ट डेली रिविजन करें ताकि आपकी ग्रोथ धीरे धीरे इम्प्रूव हो. राइट, तो आज के वर्ड्स देखते गाइस जल्दी से सारे स्टूडेंट्स आ जाए. अपनी वीडियो को शेयर कर दें प्लीज. आप क्लास को स्टार्ट होने से पहले आप अपने हर एक फ्रेंड्स को अपने ग्रुप में, एफबी में, जहां जहां आपके सोशल मीडिया में, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि आपके स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स हमारी क्लास में जुड़ पाए. तो गाइस जल्दी से शेयर कर दो आप लोग ताकि बाकी जनता भी आ जाए. ओके, करो जल्दी से शेयर और वीडियो को लाइक कर दिया करो गाइस. अगर आपको पसंद आता है कि मैम आपको द हिंदू की बात आपको पसंद आ रही है तो आप लोगों को लाइक जरूर करना है. तो लाइक बटन दबा के जाना है और वीडियो को शेयर. सो गाइस ना आई थिंक नेट अब वर्क कर रहा है. एक्चुअली देयर वाज एन इशू रिगार्डिंग इंटरनेट का, कुछ इशू था, अभी सॉर्टेड है. ओके गाइस मैंने रिबूट किया है अभी सुधीर. ओके गाइस सुधीर, तो गाइस शुड शैल वी स्टार्ट द क्लास, वापस से स्टार्ट करें. यस गाइस कुछ इंटरनेट का इशू था तो उस वजह से हमारा इंटरनेट रुक गया था, काम नहीं कर रहा था, तो हमारी रुक गई थी क्लास. पर अब क्या कर सकते हैं, क्लास तो करनी है. राइट, द शो मस्ट गो ऑन. ठीक है, क्लास को स्टार्ट कर दे गाइस. अभी क्लास प्रॉपर लास्ट ट्राई, इफ इट वर्क्स देन इट्स फाइन, अदरवाइज हम क्लास को ऑफ कर देंगे. इस क्लास को हम बाद में दिन में कर लेंगे. ठीक है, आज रहने दे. वाटर साउंड अभी ठीक है, अभी स्टार्ट हो गए मैम. ओके ठीक है, अभी स्टार्ट हो चुके हैं. ओके गाइस देखते हैं. तो पैराफर्नालिया आइटम्स, आइटम नीडेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क और एक्टिविटी. ठीक है, आइटम्स आपको जो रिक्वायर्ड है, नीडेड है किसी काम को करने के लिए, तो उसे सामग्री, जैसे हिंदी में सामग्री कहते हैं, तो कोई भी चीज की सामग्री जो होती है उसे पैराफर्नालिया कहा जाता है. ठीक है, ये वर्ड आप लोग लर्न कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा वर्ड है. जो आपका सामान है, ठीक है, आपका बड़ा सारा सामान की लिस्ट जो होती है पूरा. ओके, किसी को बनाने के लिए जो पर्याप्त सामान की जरूरत होती है उसे हम पैराफर्नालिया कहते हैं. किसी को कुछ को बनाने के लिए, मैम फिर से रुक गई ना. ओके चलो अभी क्लास चल रही है. किसी चीज को बनाने के लिए पर्याप्त सामान की जो जरूरत होती है उसे हम सामग्री या सामान या फिर पैराफर्नालिया कहते हैं. ओके गाइस चलो, आइटम्स नीडेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क और एक्टिविटी को पैराफर्नालिया कहा जाता है. सिनोनिम्स है अपैरेटस, इक्विपमेंट, गियर, एसेसरीज, अटैचमेंट. तो कोई भी चीज की जो एसेसरीज होती है, ठीक है, हर चीज की एसेसरीज जो होती है, आपका जो सामान होता है, इक्विपमेंट होता है, अपैरेटस होता है, ये आपके क्या है, पैराफर्नालिया है. आज की डेट में आजकल कुकिंग बहुत ज्यादा चली हुई है गाइस. राइट, सब लोग अपना कुकिंग की वीडियो रिकॉर्ड कर करके भेज रहे हैं. तो आप लोगों को कुकिंग के टाइम पे जितना भी सामान, सामग्री, अपरेटस, इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पैराफर्नालिया है. ठीक है गाइस, आई थिंक याद हो जाएगा. ओके, माउंटेन क्लाइंबिंग पैराफर्नालिया. तो माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए, माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए आपको जो भी पैराफर्नालिया की जरूरत है, आपको भी जो इक्विपमेंट की जरूरत है, तो ये यहाँ पे गिवन है. ओके, आगे बढ़ते हैं स्पीड से.
यूटोपिया, ये वर्ड हम पहले भी कर चुके गाइस, यूटोपिया एक नाउन है, एग्जाम में बहुत बार आता भी है। यूटोपिया है क्या? यूटोपिया आपका और एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट एंड ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो एक यूटोपिया क्या है? यूटोपिया आपका इमेजिनरी प्लेस है जहाँ पे अगर आपके सपनों की जगह है ना, आप लोगों के सपनों की जगह आप जो चीज इमेजिन करते हो, प्लान करते हो, कोई चीज ऐसा हो, स्वर्ग जैसा हो, स्वप्न जैसा हो, जो भी आपकी परफेक्शन प्लेस है, तो आप लोग सबके हिसाब से अलग अलग होगी। किसी को ऐसा ऐसा चाहिए सब कुछ कंप्लीट है ना, आपके विश फुल वाला आपका फैंटेसी लैंड, किसी को किसी और तरह से चाहिए। तो जो आपकी फैंटेसी लैंड है ना, जो आपके इमेजिनरी प्लेस है, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट बिजनेस होगा, दैट इज यूटोपिया। ओके, तो इथोपिया को यूटोपिया बनाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह से कर लेना, यूटोपिया को यूटोपिया बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सिनोनिम्स हो जाएंगे, एलिसियम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड गाइस, लर्न कर लेना। ओके, इम्प्रीमेंट फैंटेसीलैंड हेवन गार्डन ऑफ एडन। ओके, गार्डन ऑफ एडन एक आपका फ्रेज है गाइस, ये आपका एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है यूटोपिया, हेवन, स्वर्ग। तो स्वर्ग वाली बातें, फैंटेसी वाली बातें, जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। हमें बचपन में कहा जाता था कि स्वर्ग में बहुत अच्छे अच्छे खाने को मिलता है, ठीक है। मतलब तो ऐसे बचपन में जो हम लोगों को जो चीजें पसंद होती है वही हमारे लिए फैंटेसी हो जाती है। एंटोनिम हो जाएगा डायस्टोपिया, हेल या फिर फूल्स पैराडाइज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डायस्टिया, डायस्टिया, हेल या फिर फूल का पैराडाइज, ठीक है। ड्रीम ऑफ वन डे रिटायरिंग टू अ ट्रॉपिकल यूटोपिया। ड्रीम के हम रिटायर करके ट्रॉपिकल यूटोपिया, ट्रॉपिकल में जाए, वहां पे अपने फैंटेसी लैंड बनाए, वहां पे रहें। आप लोगों में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो लोग रिटायरमेंट लेने के बाद पहाड़ों में रहना चाहना चाहते हैं, ठीक है। मैं तो अभी से रहना चाहती हूँ गाइस। तो कितने लोग हैं जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ, हम लोग जब अच्छे से रिलैक्स हो जाएंगे और जब वर्क से फ्री हो जाएंगे तो हम पहाड़ों में जाकर रहेंगे, एक छोटा सा घर लेंगे, है ना। सबका मुझे लगता है ये एक, जो लोग को थोड़ी सी शांति पसंद है उनको ये वाला उनका ये ड्रीम होता ही है। तो दिस इज माई यूटोपिया। आप लोगों का क्या यूटोपिया है, आप लोग लिख कर बताएंगे। ओके, आगे देखते हैं। इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन क्या है? इंटॉक्सिकेशन एक नाउन है जिसका मतलब है कंडीशन ऑफ बीइंग ड्रंक। तो आपको पता है अभी जब लिकर शॉप्स खाली सारी खोल दी थी, जितने भी बहुत ज्यादा जिनको बड़ा शौक है, आपको पता है कितनी लंबी लंबी लाइनें हमें देखने को मिली, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो इंटॉक्सिकेशन करते हैं, वो लोग नशा करते हैं, है ना। नशा तो सक्सेस का भी होता है गाइस, नशा तो मेहनत का भी होता है। आपको इंटॉक्सिकेशन उसका करना चाहिए, वो चीज जो चीज आपका होश ही उड़ा दे, ठीक है, जो चीज आपको सेंसेस में ना रखने दे, उसका क्या इंटॉक्सिकेशन करना, है ना। जो चीज आपको होश में रखे उस चीज का इंटॉक्सिकेशन करना का समझ में भी आता है। सिनोनिम्स ऑफ ड्रंकनेस, इनिब्रिएशन, इनएबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड गाइस, इनिब्रिएशन काफी एग्जाम में काफी बार एग्जाम में आ चुका है, उस वर्ड का ध्यान रखें। इनिब्रिएशन मीन समथिंग दैट इज बीइंग इंटॉक्सिकेटेड, बीइंग ड्रंक, बहुत ज्यादा टल्ली हो जाना, जो हम हिंदी में कहते हैं, हमारा जो टेक्निकल वर्ड है टल्ली, ठीक है। तो आपका जो टल्ली होना इज योर इंटॉक्सिकेशन। एंटोनिम इज सोबरनेस, एब्सटिनेंस एंड टी टॉटलिज्म। तो एंटोनिम है सोबरनेस, एब्सटिनेंस, टी टॉटलिज्म, मतलब कि बिल्कुल दूर रहना शराब से, बिल्कुल भी अल्कोहल वगैरह ना पीना, सोबर रहना। तो ये आपके सिनो एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है गाइस। देयर इज अ फर्म डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड ओवर इंडल्जेंस टू द पॉइंट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। तो देयर इज अ फर्म डिस्टिंक्शन, काफी डिस्टिंक्शन होता है कि कई लोग मॉडरेट अल्कोहलिक बेवरेजेस की तरह पीते हैं थोड़ा थोड़ा, मगर कई लोग ओवर इंडल्जेंस टू द पॉइंट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, मतलब पूरी तरह से टल्ली हो जाने वाली सिचुएशन में। ओके गाइस, याद रहेगा ये वर्ड, आई थिंक ये वर्ड याद रहेगा, ठीक है। तो जो हम अपने अंदर, देखो गाइस, टॉक्सिक को अपने अंदर डालते हैं, इन करते हैं अपनी बॉडी में, तो उसे हम इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। इस टॉक्सिक को, इस पॉइजन को हम अपने अंदर डालते हैं उसे इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है। चलो गाइस, उसे इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है। टॉक्सिक को जब हम अपने बॉडी के अंदर डालते हैं उसे इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस जो है डिसेमिनेटेड, डिसेमिनेटेड एक वर्ब है, ओके। डिसेमिनेटेड इज अ वर्ब दैट मींस टू कॉज टू बी नोन ओवर अ कंसीडरेबल एरिया और बाय मेनी पीपल। फैला हुआ, डिसेमिनेटेड मतलब कि दूर दूर तक फैला होना, ओके। टू कॉज टू बी नोन ओवर अ कंसीडरेबल एरिया बाय मेनी अदर पीपल। तो
आप डिसेमिनेटेड का मतलब होता है, एक तो स्प्रेडेड होता है और उसको अपनी तरफ से यूज कर लेते हैं। कई लोग जैसे कि आप लोग भी बोलते ना भाई की चलती है, भाई को दूर दूर तक जानते हैं सब लोग, तो आप लोग डिसेमिनेटेड हो, मतलब आपके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज है। टू बी नोन टू कॉज टू बी नोन ओवर कंसिडरेबल एरिया ऑफ टाइम मेनी पीपल, तो जो लोग आप लोग वो जैसे कि मोदी इज डिसेमिनेटेड पर्सन, मतलब कि उनके तो उनको तो हर जन जानता है, हम सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है। तो जो भी एक तो फैला हुआ या तो बहुत जाना हुआ या फिर कोई चीज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो, कोरोना इज डिसेमिनेटेड, आपको पता ही कोरोना कितना फैल चुका है, तो कोई चीज फैलने की बात होगी दैट इज डिसेमिनेटेड, ठीक है, फैला होना, ठीक है, सर्कुलेटेड प्रोपोगेटेड स्प्रेड, सर्कुलेट होना, स्प्रेड होना, प्रोपोगेट होना, एंटोनिम हो जाएगा मास्क, ऑब्स्क्योर और सीक्रेटेड। मास्क करना, हम लोग मास्क लगा के क्या करें, इसको फैलने से रोक रहे हैं, ऑब्स्क्योर कर रहे हैं, सीक्रेट कर रहे हैं। एक्टिविस्ट सेंड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिसेमिनेट देयर व्यूज, एक्टिविस्ट सेंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन की वो अपने व्यूज को डिसेमिनेट करें, फैलाने का काम करें, ओके, वो क्या करें, फैलाने का काम करें। आगे देखते हैं गाइस, पहले चलो आपको मैंने बताया गाइस, अगर आप मेरी बैचेस, क्योंकि मेरी न्यू बैच आने वाली है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, न्यू बैच आने वाली है जिसमें मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ गाइस, इसमें मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाऊंगी, जहाँ पे हर एक टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल से आएगा, और मेरे साथ साथ आप बहुत सारे एजुकेटर्स, आप इंग्लिश पढ़ सकते हो मेरे साथ, बहुत सारे एजुकेटर्स से आप मैथ्स पढ़ सकते हो, बहुत सारे एजुकेटर्स से इंग्लिश, मैथ्स, जीएस एंड रीजनिंग, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स गाइस आप अनअकैडमी का 1 ईयर का या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सारे कोर्सेज, सारे एजुकेटर्स की क्लासेस, चाहे टीयर 1 की हो, चाहे टीयर 2 की, चाहे टीयर 3 की, सारी ओपन हो जाती हैं। तो ये स्टूडेंट को बड़ा डाउट रहता है कि मैम अगर आपका कोड यूज करेंगे तो सिर्फ आपकी क्लास देख पाएंगे, नहीं गाइस, आप सबकी क्लास देख पाओगे, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि मैम का कोड यूज हुआ दैट मींस कि मैम के स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि मैम को ये वजह से हम आपकी, हम अनअकैडमी में जॉइनेंगे, बस और कोई डिफरेंस नहीं गाइस। आप लोगों को सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, अभी 6,000 रुपीज का आपका कोर्स है 1 ईयर का, और 7,200 रुपीज का आपका 2 ईयर का, आपको 10% इस कोड को यूज करने के बाद 5,400 और 6,400, मतलब कि पहली 10 कोड यूज करने के बाद आपको 5,400 देना पड़ेगा 1 ईयर के लिए, या फिर 2 ईयर के लिए 64। आपको पता है 9 PM में आपकी स्पेशल क्लास लेती हूँ, कल किसी वजह से स्पेशल क्लास नहीं हो पाई, आज हो जाएगी, ठीक है। तो 9 PM जो आपकी स्पेशल क्लास होती है, स्पेशल क्लास ज्वाइन करके आपको क्रेडिट भी मिल जाता है, तो वैसे इस क्रेडिट को रिडीम करके आपको कई सारे स्टूडेंट्स वैसे कि कई स्टूडेंट्स को 5,800 में लेते हैं क्योंकि उनके पास क्रेडिट होता है, कई स्टूडेंट को 4,800 में मिल जाता है, तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और 4,480 जस्ट आई हैव टेकन 2 ईयर्स, ओके, सुपर स्टार बायोग्राफी ने अभी लिया है 4,480 रुपए में, वो भी 2 साल के लिए, ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट। तो उनके पास अच्छा खासा क्रेडिट होगा और मतलब कि उनके पास पॉइंट हो गए स्पेशल क्लास उन्होंने ज्वाइन किया होगा। तो आप सब मेरी स्पेशल क्लास शाम की 9 बजे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको अनअकैडमी के टेलीग्राम और अनअकैडमी के यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे भी टेलीग्राम में मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, ठीक है गाइस। तो आप लोग ज्वाइन करें, अपनी स्टडीज को रेगुलर करें, ओके, क्योंकि स्टडीज अभी आप जितना रेगुलर रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, नहीं तो बाद में देखो आपको पता ही है कि पढ़ाई अभी आपकी सब जगह रुक गई, कोचिंग वगैरह अभी चालू होने वाली है नहीं, तो आपको अपनी पढ़ाई किसी भी हालत में रोकनी नहीं है। नेक्स्ट गाइस वर्ड देखते हैं, पेरिपैटेटिक, पेरिपैटेटिक वर्ड एक एडजेक्टिव है दैट मींस ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो भ्रमणकारी होते हैं, जो इधर से उधर, उधर से उधर ट्रैवल करते हैं, उसे पेरिपैटेटिक कहते हैं, ठीक है। जिनके पैर कहीं टिकते नहीं है, ये वर्ड मैं आपको करवा चुकी हूँ, जिनके पैर कहीं टिकते नहीं है और वो घूमते रहते हैं, जैसे घर वालों का ये डायलॉग होता है तुम्हारे पैर कहीं एक जगह टिकते नहीं, तुम इधर से उधर से घूमते रहते हो, तो वो पेरिपैटेटिक होते हैं, ओके। सिनोनिम्स है एम्बुलेटरी, इरान, फ्यूगेटिव, नोमैड, तो जो एम्बुलेटरी होते हैं, इरान होते हैं, फ्यूगेटिव होते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस में रुकते नहीं, दैट इज पेरिपैटेटिक, ओके। एंटोनिम है स्टेशनरी, स्टैटिक, मोशनलेस, तो जो लोग रुके होते हैं, जो ज्यादा कहीं कोई चीज स्टेशनरी है, स्टेबल है, जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा नहीं है, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अब पेरिपैटेटिक रिपोर्टर फॉर अ केबल न्यूज नेटवर्क, अ पेरिपैटेटिक केबल रिपोर्टर,
ठीक है, तो एक रिपोर्टर है जो इधर से उधर घूमता रहता है न्यूज कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, जिसके पैर टिकते नहीं है, वो पेरिपेटेटिक होता है। नेक्स्ट आई जो वर्ड है दैट इज लर्किंग। लर्किंग एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रिमेन आउट ऑफ साइट, तो आपकी नजरों के बाहर होना, उसे हम कहते हैं लर्किंग। ठीक है, जिसको आप लुक कर रहे हो, जिसको आप ढूंढ रहे हो, कहाँ गया है, गुप्त हो चुका है, दैट इज लर्किंग। ठीक है, लर्किंग लर्किंग की वजह से यू स्टार्ट लुकिंग, कोई चीज गुप्त होती है, छुप गई होती है, तो आप यू स्टार्ट लुकिंग फॉर इट, तुम उसके लिए तुम उसे ढूंढना चालू करते हो, राइट। तो लर्किंग इज टू रिमेन आउट ऑफ साइट, आपकी साइट के बाहर होना, हाइडिंग, होल्डिंग अप, लाइंग, रिपोजिंग, कोई चीज हाइड करना, छुपा के रखना, वो आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएगा मटेरियलाइजिंग करना या फिर शो अप करना। तो कोई चीज शो अप होना, बाहर आना, सामने आना, दिख जाना, दैट इज योर एंटोनिम। आज मेरे गले को पता नहीं गाइस क्या हो गया मुझे लगता है विक्स की गोली जो खिच खिच दूर करने वाला सिचुएशन है। वॉच आउट ऑफ स्नेक्स लर्किंग इन द टॉल ग्रास, ठीक है, वॉच आउट ऑफ द स्नेक और स्नेक्स, मतलब ध्यान दो कि स्नेक से आपका छुपा हुआ ग्रासेस में, ओके चलो आगे देखते हैं। सस्टेनेबल, ये वर्ड आपको पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में कई चीजों में यूज होता है गाइस, एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा ये वर्ड होता है सस्टेनेबल एनवायरमेंट। पीपल आर बीइंग डिफेंडेड विद गुड रीजनिंग अगेंस्ट वर्बल अटैक, ठीक है, देखो सस्टेनेबल का मतलब किसी चीज को डिफेंड करना, चाहे आप एनवायरमेंट को डिफेंड करो, किसी भी चीज को आप डिफेंड करते हो, उसको बचाने की कोशिश करते हो, तो उसे सस्टेनेबल कहा जाता है, जिसे हिंदी में वहनीय कहते हैं। ओके, सिनोनिम से डिफेंडेबल, डिफेंसिबल, जस्टिफिएबल या फिर टेनेबल, ठीक है, तो डिफेंडेबल, डिफेंसिबल, जस्टिफिएबल, टेनेबल, जिसे डिफेंड किया जा सकता है, जो जस्टिफाइड है, उसे सस्टेनेबल कहा जाता है। एंटोनिम जो हो जाएगा गाइस, दैट इज इनडिफेंसिबल, इनसपोर्टेबल, इनडिफेंसिबल, इनसपोर्टेबल, अनजस्टेबल, अनटेनेबल, सब में अन और इन लगाने से ऑपोजिट वर्ड बन जाते हैं, सब में नहीं, कुछ कुछ वर्ड्स में आप जब अन लगा इन लगा देते हैं या फिर अन लगा देते हैं तो वो आपका विपरीत शब्द हो जाता है, ऑपोजिट वर्ड हो जाता है। अ लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट इज प्रॉब्ली नॉट सस्टेनेबल इन पब्लिक फोरम अगेंस्ट स्किल डिबेटर्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अ लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट इज प्रॉब्ली नॉट सस्टेनेबल, यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ पे आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते हो, इन पब्लिक फोरम अगेंस्ट स्किल डिबेटर्स, स्किल डिबेटर्स के अगेंस्ट आप यहाँ पे उनसे आर्ग्यूमेंट करने में कोई फायदा नहीं, नुकसान ही हो सकता है। नेक्स्ट आई जो वर्ड दैट इज रैम्पिंग अप, मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रही हूँ बिकॉज आई हैव सम थ्रोट प्रॉब्लम, ओके। रैम्पिंग अप का मतलब होता है फैल जाना, ये भी अभी मैंने कराया, रैम्पिंग अप का मतलब होता है बोस्ट करना, फैल जाना, ठीक है, एलिवेट करना, किसी चीज को बढ़ाना, माउंट करना, एनहांस करना, ओके। रैम्पिंग का मतलब होता है बूस्ट करना, किसी चीज को बढ़ाना, बढ़ाना ज्यादा अच्छा वर्ड लगेगा इसका, बढ़ाना, किसी को एलिवेट करना, जैकिंग अप, माउंटिंग, एनहांसिंग। तो व्हेन यू एनहांस समथिंग, व्हेन यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव समथिंग, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, माउंट करना, एनहांस करना, ओके गाइस। एंटोनिम है अबेटिंग, डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग, अबेट करना, कम करना, डिक्लाइन करना, धीरे धीरे वो आपके एंटोनिम हो जाएंगे, ओके। द कंपनी हैज मूव इन टू न्यू क्वार्टर्स इन ऑर्डर टू रैम्प अप प्रोडक्शन, तो कंपनी ने न्यू क्वार्टर्स में मूव हो गए ताकि वो अपने प्रोडक्शन को रैम्प अप कर सके। रैम्प अप का मतलब क्या है, इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके, इम्प्रूव कर सके, ओके गाइस, ओके। नेक्स्ट वर्ड दैट इज पैरानोया, पैरानोया एक नाउन है, दैट मींस अ फीलिंग दैट समवन दैट वन डज नॉट नो द होल ट्रुथ और डज और दैट समवन एल्स इज नॉट बीइंग ट्रुथफुल, ओके। तो पैरानोया का मतलब ये मैं आपको वर्ड करवा चुकी हूँ, जब हम इस बात की टेंशन में रहते हैं कि सामने वाला हमसे झूठ बोल रहा है, तो ये जो मेंटली टेंशन में रहते हैं दैट कि सामने वाला आपसे कुछ छुपा रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है, तो दैट इज पैरानोइड, यू बिकम पैरानोइड, ठीक है, आप एंजाइटी में आ जाते हैं, आप कंसर्न हो जाते हैं, वेरीनेस हो जाते हैं, बहुत वरीसम हो जाते हो, टेंशन हो आप ले लेते हो काफी ज्यादा, तो आप पैरानॉइड हो जाते हो, ठीक है गाइस। एंटोनिम हो जाएगा अश्योरेंस, बिलीफ, सर्टिनिटी और सर्टिट्यूड। एंटोनिम हो जाएगा अश्योरेंस, बिलीफ, आप जब निश्चिंत हो, सर्टिट्यूडनेस है, निश्चिंतता है, तो वो आपके एंटोनिम हो जाएंगे, ओके। ईच हाफ ऑफ द अनहैप्पी कपल वॉज कॉन्स्टेंटली रिएक्ट विद पैरानोइया दैट अदर्स आर वर्स, अदर वर्स चीटिंग। जनरली आज की डेट में अनहैप्पी कपल्स जो होते हैं उन्हें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये होता है कि वो पैरानोइड हो जाते हैं कि सामने वाला उसे चीट कर रहा है, राइट।
ये बड़ा कंसर्न होता है दो कपल एक कपल के बीच में जिनमें रिलेशंस खराब हो जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सिचुएशन जो होती है एकदम पैरानॉइड, इनमें बहुत ज्यादा पैरानॉइड सिचुएशन होती है ऑफ बीइंग दैट अदर इज चीटिंग हिम और क्या फिर। ठीक है गाइस, तो आज मुझे लगता है आज हम यहीं तक करते हैं क्लास को, बिकॉज माई थ्रॉट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब मेरे थ्रॉट में कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो आज हम यहीं तक करते हैं गाइस। रिविजन आप लोग इन वर्ड का जरूर कर लीजिएगा, ओके। और 9 PM जो है मेरी क्लास है, स्पेशल क्लास है, आप लोग ज्वाइन करना। PQRS में पढ़ाऊंगी कि PQRS कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो आप सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि स्पीकर्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा सेशन में। बाकी 11 AM मेरी प्री की बैच चल रही है और 6 PM मेरे मेन्स की बैच चल रही है। मैंने आपको कोड बता दिया है परी10, तो परी10 गाइड, और ये कोड ऐसा नहीं कि SSC के लिए अप्लाई होगा, आप SSC बैंक, ठीक है, UPSC, PC, जो भी एग्जाम देते हो, जो भी एग्जाम आप के प्रिपेयर करना चाहते हो अनअकैडमी में, तो आप कहीं पे भी मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो, ये यूजफुल हो जाएगा, ओके। ये सेकंड पार्ट ऑफ फीचर्स आज आएगा का। रियली सॉरी गाइस, रियली सॉरी, तो आज क्लास में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो बाकी क्लास हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वर्ड्स आप लोग रिवाइज कर लेना, परी10 कोड आपको याद रहेगा, ओके। तो गाइस अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, बाय गाइस।